इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मुकाबला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्बाब्वे छोटी टीम है और किसी का जोश कम है। जोश पूरा है और एक ऐसा ही जोशीला ग्रुप कुछ अलग अंदाज में इस वक्त मेरे साथ है। आइए उनसे मिलवाता हूँ, पूछता हूँ इसके पीछे का राज क्या है। ये देखिए, ये एक ग्रुप यहाँ पे है, ये हैंडसम मुस्कुराते इंडियन हमारे जो खड़े हैं, और एक टी शर्ट आप इनकी देख सकते हैं, सचिन वॉज एन इमोशन, कोहली इज एन एक्सपीरियंस, अनुभव। क्या बात है, भावनाओं से जुड़ा हुआ था और एक अनुभव से, क्या बात है। यहाँ पर एक मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो आप लोग कहाँ से आए हैं और ये थॉट क्या है इसके पीछे, कुछ बताएंगे इसके लिए। From Raleigh, North Carolina, and credit to him for the T-shirts. अच्छा, and इनको, we are crazy fan. हम लोग बहुत ही क्रिकेट खेलते हैं अभी भी, हमारे कैरी नॉर्थ केरला से जहाँ से हम आए हैं, एंड वी फ्लाई इवन जब फ्लोरिडा में मैच होती है तभी हम जाते हैं इंडिया टीम को सपोर्ट करने को। दिस वाज आवर चांस टू सपोर्ट इंडियन टीम, एंड वी लव किंग कोहली। और ये आप भी बताएं, मतलब हाउ इज इट, आपने नाम दिया कि सचिन इमोशन है और कोहली एक्सपीरियंस है, बताओ डिफाइन करो इसको, मतलब थोड़ा सा बताओ। जैसे हम बचपन से थे तो सचिन, वी ग्रो अप विद सचिन, एंड देन नाउ दैट वी आर, सचिन इज गॉन, नाउ कोहली इज इन, वी आर बेसिकली एंजॉयिंग द क्रिकेट विद हिम। ओके, इतना पैशन जो है उसमें, इट ब्रिंग्स द पैशन ऑफ अस आल्सो, राइट, इसीलिए से वो सचिन इज एन इमोशन, बट कोहली इज एन एक्सपीरियंस, पैशन। और ये पूरा ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये पांच ही हो, आधे डजन है, तो ये आधे डजन है और भी हैं, डजन दिखते एक डजन, लेकिन आधे डजन। तो यार आप लोग सब यूएस में रहते हैं, तो आप लोगों ने सबने यूएस से फ्लाइट बुक की, एक साथ सारा कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद यहाँ आए, तो हाउ डिफिकल्ट और हाउ much fun was it, kitna mazedar tha ye pura experience, it's all worth it, our trip was long, kareeban 30 ghante lage, way longer than going to India from US, okay, but it's all worth it, hum log match dekh rahe hain, team ko follow kar rahe hain, and we are here till they get the cup, unke sath cup leke aapko lagta hai cup milega India ko? Oh, definitely milega, pehle we want to say shout out to our wives, hamare biwiyon ne hamein permission diya aane ke liye, thank you wives, we love you, we love you जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट वी आर एंजॉयिंग दिस मंथ, हम लोग 6 महीने से ये प्लान कर रहे थे, इट्स नॉट लाइक विद इन अ मंथ, सो सिंस मार्च वी हैव बीन प्लानिंग, और तब से हमने टिकट बुक किया है, और यू नो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डन, तो आई मीन इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी सो फार, और मैच जीता तो इट मेड इट ऑल द मोर बेटर, लास्ट मैच वाज ऑलमोस्ट लाइक यू नो, हम लोग ऐसे सोचा कि क्या हो रहा है, हम छहों को वापस जाना है, कोई हार्ट अटैक से मर के नहीं जाना चाहता है, दैट वाज अमेजिंग दैट दे टर्नड अराउंड एंड मेड अस यू नो make us feel that good ki stadium mein baith ke we could experience that kind of thing, yes, so and getting the tickets was also not easy, the day the second the ticket reservation opened, all the six of us we logged in at the same time, we tried to get the tickets as many as we could, our best hope was to get India Pakistan games, but we could not get it, but nonetheless we watched it all live before we flew out here, and we are watching rest of the games and hoping to have a lot of fun tomorrow, amazing ek baat to keh di Sachin emotion aur Kohli experience ne ki team India world cup jeetega, aur ek baat aur hai ki jinka josh jo hai 30 ghante ki jo udan bhar kar Australia land hue hain 2024 में नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपने घर ही ले गए, अगला वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, तो इसके लिए भी तैयारी होगी, थोड़ा डिलेमा है किसको सपोर्ट करें, डिलेमा जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि जिसको बाहर हो जाएगी और वो इंडिया ही पहुंचेगी, तो डिलेमा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा कुछ है, कोई चीयर करने का कोई ऐसा कुछ आप लोगों के पास है, कुछ आपने तैयार किया हो कोई लाइन? हाँ जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा।